बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा लहु अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं रशीदु ज़फर और उर्दू विद रशीदु ज़फर में आप लोग देख रहे हैं आज खतूत के सिलसिले का एक अगला लेक्चर। स्टूडेंट्स, खतूत नवीसी में मैं इससे पहले 2 से 3 लेक्चर्स जो है वो डिलीवर कर चुका हूँ और खतूत नवीसी को मजीद आसान बनाने के लिए आपके सामने मैं मजीद जो है वो लेक्चर्स एक से एक करके मैं देता रहूँगा और कोशिश कीजिएगा कि अपने पैटर्न को बेहतर कर लें क्योंकि मैं पैटर्न जो है वो साथ साथ वाज़े तौर पे लिख रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं कि खतूत नवीसी है उर्दू सिलेबस सीरीज में। आज है डिप्टी कमिश्नर के नाम बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स पर हमने खत लिखना है उसके हवाले से। डिप्टी कमिश्नर शहर की इंतजामिया का सरबराह होता है, डिप्टी कमिश्नर जिले का सरबराह होता है, जिले की इंतजामी मशीनरी को वो वॉच करता है, वो देखता है, जिले की तमाम इंतजामिया जो है उसके अंडर होती है। तो डिप्टी कमिश्नर को हमने शहर में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स के मुतालिक एक शिकायती खत है, एक मतलब हमने उसकी नोटिस में लेके आना है। तो स्टूडेंट्स, वो हमने लिखना है और याद रखिएगा कि इस तरह के खतूत आमतौर पे अखबार के मुदीर के नाम भी आते हैं। आप डायरेक्टली कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को, देखिए अगर यहाँ कमिश्नर को आ गया तो आप कमिश्नर कर दीजिएगा, डिप्टी कमिश्नर को आ गया डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर को भी लिखे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इसका सबसे पहले पैटर्न जो है वो मैंने उसी तरीके से मैंने लिख दिया। इम्तिहानी मरकज इंतहाई दाएं जानिब पे आप लिखेंगे, उसके बाद 16 अप्रैल 2021 उस दिन की तारीख या जो भी आपको तारीख उर्दू में आपने उसको लिख लेना है। उसके बाद आपने लिखना है जनाब डिप्टी कमिश्नर, उसके बाद निदाइया की अलामत होगी, यहाँ पे आपने निदाइया की अलामत को वाज़े तौर पर लगा देना, ठीक है। जनाब के साथ अमूमन साहब जो है उसका लफ्ज नहीं आता, ये मैं दरखास्त में आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, और चूंकि वो फर्स्ट ईयर की है, अस्सलामु अलैकुम चौथी लाइन में, उसके बाद खत्मा की अलामत। तो स्टूडेंट्स, अब देखें कि डिप्टी कमिश्नर को हमने खत किस तरह से लिखना है, उसके निकात बना दिए। मैं फिर कहूंगा कि मैंने जो ये निकात लिखे हैं तकरीबन आपके जो पेपर होगा उसके सफे के एक सफे की अक्कासी, एक सफे को तो पूरा कर जाएंगे, लेकिन आपने जब इन निकात को फैलाना है ये लेक्चर सुन के, तो आपने कोशिश करनी है कि इसको 2 से 2.5 सफात तक मैक्सिमम जो है इसको मवाद को लेके चलना है। तो स्टूडेंट्स देखें, डिप्टी कमिश्नर एक ओहदा है और एक जो है एक जिसको हुकामे बाला में आता है, अला हुकाम एक शहर का सरबरा होता है, तो उसको हमने जिस तरह खत लिखना है, तो ये नहीं कि डायरेक्टली उसके साथ कि अस्सलाम वालेकुम और जनाब हमारे मोहल्ले में चोरियां जो है वो शुरू हो गई, तो ऐसे नहीं, एक तरीका होता है, एक मेथड होता है किसी भी बड़े को बात करने का। तो ये देखें कि उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आपने सबसे पहले खैरियत दरियाफ्त करनी है और उसके बाद आपने उनसे पूछना है कि रोजमर्रा के मामूलात बतरीके एहसन अदा कर रहे होंगे, मतलब आपने लिखना है कि रोजमर्रा के जो मामूलात हैं, जो आपके मामूलात हैं, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से अदा कर चुके कर रहे होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने उनकी एक अच्छी मतलब उनकी तारीफ करनी है कि उन्होंने आपके आपके चार्ज संभालने पर, जब से आप आए हैं आपने चार्ज संभाला है, गवर्नमेंट का चार्ज संभाला जाता है, सीट संभाली जाती है, आपने अपना ऑफिस संभालने के बाद शहर में तरक्याती काम जो है वो अरूज पर है, शहर में मुख्तलिफ तरक्यात आपने लिखना भी है कि फलां जगह पर सड़क जो है वो सही हुई है, जो डिप्टी कमिश्नर के जेर असर होता है, आपने फलां चीज को बेहतर किया है, आपने शहर में शजरकारी को फरोग दिया है, आपने जनाब शहर की ना जो मुख्तलिफ जगहों पे ऐसे ही स्पीड ब्रेकर बने हुए थे उसको खत्म किया, मतलब मुख्तलिफ चीजों को आप लोग मेंशन भी कर सकते हैं इसमें। और इसके बाद आपने लिखना है कि आपकी इंतजामी सलाहियतें नहायत उम्दा हैं और नजायज तजावजात का खात्मा, नजायज तजावजात होती है जो दुकानों के आगे लोग फुटपाथों पर चीजें रख के बैठ जाते हैं और गली मोहल्ला या स्ट्रीट जो है या वो जो क्या कहते हैं उसे बाजार जो है वो कम पड़ जाता है, ठीक है। अभी मैं आगे जाके आपको स्ट्रीट क्राइम्स का पहले तारुफ करूंगा। खुद साख्ता महंगाई पर कंट्रोल, आपने खुद साख्ता जो खुद ब खुद जो है हुकूमत की तरफ से वो महंगाई नहीं होती है, जो लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं जो छोटा कारोबारी तबका है वो उस कीमतों को बढ़ा देता है खुद से, तो इसको कहा जाता है खुद साख्ता महंगाई पर कंट्रोल आपने किया, या आपने शुरू की 5-7 सत्रों में स्टूडेंट्स लिखना है। उसके बाद मार्केट कमेटियों का क्या, मार्केट कमेटियां होती है जो मार्केट के जो नफा नुकसान को सारी चीजों को मार्केट के रेट्स को कंट्रोल करती हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियां होती हैं जो देखती हैं फूड कंट्रोल यानी कि सब्जी ताजा है कि नहीं है, और इस तरह की कमेटीज को कायम करना वो भी डिप्टी कमिश्नर का इख्तियार होता है, तो वो आपने उसकी तारीफ करनी है। आपके मुतअद्दिद एहसन इक़दाम यानी आपके मुतअद्दिद अच्छे इक़दाम हैं,
या अपने 6-7 सत्रों पे डिप्टी कमिश्नर को मुखातिब करके ये बात लिखनी है। उसके बाद आपने असल मकसद की तरफ आना है कि खत लिखने का जो मकसद है वो क्या है। वो ये है कि आपकी तवज्जो शहर में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स की तरफ करवानी। स्ट्रीट कहते हैं गली को, क्राइम्स कहते हैं जुर्म को, जराइम को। तो जो गलियों में जराइम होते हैं, जाते हुए खवातीन से पर्स छीनना, मोबाइल स्नैचिंग, मोबाइल खींच लेना, डकैती, जेवरात छीन लेना, मजदूरों को, सरकारी मुलाजमों को लूट लेना, और इस तरह के अगवा बराए तवान जो गली मोहल्लों से जो है वो लेके चले जाते हैं और फिर अगवा तवान की रकम जो है वो लेते हैं। तो स्टूडेंट्स उनमें ये सारे मैंने लिख भी दिए हैं। बहरहाल शहर में जराइम पेशा अफराद की कसरत, आपने बताना है कि शहर में, हमारे शहर में कुछ अरसे से, आपने कहना है कि कुछ अरसे से जराइम पेशा अफराद जो है वो दंदनाते फिर रहे हैं और सरेआम मसला की नुमाइश है, और शहरी जो है वो खौफ की कैफियत में है, शहरी एक करब की कैफियत में है। इस पर बहुत लिखा जा सकता है। 250 सफ़े का मवाद बनाना आपके लिए कोई मसला नहीं है, आपके दाएं हाथ का काम है। आप सिर्फ इसको अच्छे तरीके से, निकात को अपने माइंड में रख लें। उसके बाद शहर की रोशनियों को अंधेरे में बदला। स्टूडेंट शहर की रोशनियां जो होती हैं वो लोगों से होती हैं। लोग बाहर फिरते हैं, लोग जाते हैं फैमिलीज के साथ पार्कों में जाते हैं, तो आपने बताया है पार्क भी महफूज नहीं है और गली मोहल्ले सड़कें महफूज नहीं है और चौक चौराहे महफूज नहीं है, और जिसकी वजह से आते जाते लोग मोटरसाइकिल पे आते हैं और आके किसी से जेवर छीन लेते हैं, किसी से पर्स छीन लेते हैं, किसी से मोबाइल छीन लेते हैं। फिर आप एक वाकया इस तरह का भी लिख सकते हैं कि अभी पिछले ही दिनों, मतलब इस तरह आप लिख सकते हो कि अभी पिछले ही दिनों के हमारे मोहल्ले में ही एक फैमिली आई घर में, और उसके अभी कार में थे, घर का दरवाजा नहीं खुला था, कि एक मोटरसाइकिल सवार असला मुसल्ला डाकू आए, उन्होंने आके उनको लूट लिया और मुजाहमत पर कत्ल कर दिया। मतलब इस तरह की बात भी आप डिप्टी कमिश्नर को पहुंचा सकते हैं। स्टूडेंट्स राहजनी, रास्ते में जो डकैतियां होती हैं राहों में, और कत्ल और डकैती और अगवा बराए तावान, ये रोज का मामूल बन चुका है। ठीक है, आपने ये बताना है कि ये सारी चीजें जो राहजनी, कत्ल और डकैती, अगवा बराए तावान, ये रोज का मामूल है। खवातीन से पर्स छीनने की वारदातें, आमतौर पर आपने देखा भी होगा के जो वीडियोस में भी आता है कि खवातीन ने पर्स जो है वो इस साइड पे लटकाया होता है, तो मोटरसाइकिल सवार कुछ लोग आते हैं, वो पर्स छीन लेते हैं, जिससे जो खातून जो है वो कई दफा उससे गिर भी जाती है, चोट भी लगती है, सड़क पे गिर जाती है, क्योंकि पर्स उसने मजबूती से थामा हुआ होता है। तो स्टूडेंट्स आपने ये चीजें बाकायदा लिखनी है। खवातीन घरों में मुकैद, खवातीन जो है वो घरों में मुकैद हो गई है, यानी खवातीन जो है वो घरों से बाहर नहीं निकल रही। इस डर की वजह से शहर में खौफो हरास पाया जाता है, शहर में एक जो है लोग बाहर निकलने से डरने लग गए हैं, और सरे शाम ही जो है वो गलियां और बाजार जो है वो सुनसान हो जाते हैं। यह आपने लिखना है। बुजुर्ग, जवान, बच्चे, सरकारी मुलाजिम, मजदूर, कोई फर्क महफूज नहीं। आपने लिखना है बुजुर्गों को भी लूट रहे हैं, जवानों को भी लूट रहे हैं, आपने लिख देना है कि नमाजियों को भी लूट रहे हैं, कोई फर्क जो है वो महफूज नहीं है। शाम ढलते ही गलियां और बाजार सुनसान हो जाते हैं, आपने सरे शाम वारदातें शुरू होती हैं। अच्छा, ये मैंने दो शार लिखे हैं, इसके मुताबिक कि आप इसमें खत में शेर भी लिख सकते हैं, आप नस्ली हवाला जात भी लिख सकते हैं। देखिये, जो मेरे पास था सब लूट ले गया कोई, जो मेरे पास था सब लूट ले गया कोई, कवाड़ बंद रखूं अब मुझे है डर किसका, अब मैं किस लिए अपने कवाड़ बंद रखूं, सब कुछ तो मेरा लूट गया है, तो मैं अपने घर में अब दरवाजे खुले भी रखूं तो कोई इशू नहीं। और इसमें ये भी आप लिख सकते हैं, कोई एक शेर इसमें से लिख दीजिएगा, बहरहाल अगर दोनों भी लिख सकते हैं तो अगर जगह बना के तो दोनों भी लिख सकते हैं। इस जगह पे पहला आ जाएगा, दूसरा इस जगह पे आ जाएगा। जुल्म, बच्चे जल रहा है कूचा हो बाजार में, जुल्म बच्चे जल रहा है कूचा हो बाजार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। जुल्म बच्चे जल रहा है कूचा हो बाजार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। तो ये आपने शेर लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने अपनी बात को इख्तिताम पे लेके आना है, जो आपका 250 सफ़ा तकरीबन मुकम्मल हो जाएंगे। इसमें शहर में अमन-ओ-अमान कायम करने वाले इदारे नाकाम है। आपने बताना है कि ये इदारे जो अमन-ओ-अमान के कायम के लिए होते हैं वो नाकाम है। जो आवाम है वो पुलिस को एक मुहाफिज समझती है, लेकिन आमतौर पर जो डकैतियां होती हैं उसमें कोई नजर नहीं आता कि पुलिस वाले लेट आते हैं, या उस जगह पर पुलिस का नाका नहीं होता, या जो भी मैटर है वो आपने लिखने के इदारे नाकाम है। सरेआम असलहे की नुमाइश है, ये मैं बता चुका हूं कि सरेआम वो असलहे की नुमाइश करते हैं। शहर के चौराहों और गलियों में कैमरे नसब किए जाए। देखिए, आपने तजवीज भी देनी है डिप्टी कमिश्नर को, ठीक है,
तजवीज जो है वो किसी भी बड़े को दी जा सकती है, हुकूमत को, हुकामे बाला को, आला हुकाम को, बड़े बड़े ईवानों को। आप कह सकते हैं कि हुकूमत जो है हमारे शहर में भी बढ़ती हुई वारदातें हैं, शहर में चौकों पर, चौराहों पर कैमरे, सीसीटीवी जिसको है वो नस्ब किए जाए, और बड़े शहरों में होते हैं लाइक लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पिशावर वगैरह में सीसीटीवी फुटेज जो है वो होती है, जिसको पुरमन शहर, सेव सिटी का नाम दिया जाता है। तो आपने वो लिखना है, फर्स्ट शनास पुलिस अफसरों की तायुनाती, यानी कि डिप्टी कमिश्नर को कहा जाए कि फर्स्ट शनास पुलिस को, जो अफसरों को तायनात किया जाए, तायुनात किया जाए, और जो है उससे जो हमारे माशरे में जो मुख्तलिफ किस्म की लाकानूनियत हुई हुई है उस पर काबू पाया जा सकता है। क्योंकि पुलिस जो है वो अगर फर्स्ट शनास हो जाए तो इनसे बेहतर फोर्स कोई नहीं होती, ये हर तरीके से अपने आप को जो अवाम को सहूलत देती है, तहफ्फुज देती है। इंतजामी इदारों को बाइख्तियार बनाएं, मतलब डिप्टी कमिश्नर को आप कह रहे हैं कि सर इंतजामी इदारों को आप बाइख्तियार बनाएं ताकि वो अपने इख्तियार से उनको करार, और करार वाकई कानून की पासदारी की जाए। और यहाँ पे आपने एक और बात भी लिखनी है कि मुजरिमों को पकड़ा जाए और मुजरिमों को पकड़ के उनको फिर जमानत ना दी जाए, उनको करार वाकई सजा दी जाए। ये आपने असल जो है वो चीज आपने लिखनी है। और उसके बाद आपने लिखना है कि अवाम को तहफ्फुज का एहसास जो है वो दिलाया जाए। तो स्टूडेंट्स, ये स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से था। स्ट्रीट क्राइम्स को एक दफा फिर सुन लें कि स्ट्रीट क्राइम्स वो जराइम होते हैं स्टूडेंट्स जो गली मोहल्लों और सड़कों, चौकों, चौराहों पे आपके साथ मुख्तलिफ किस्म की वारदातें हों, इसको स्ट्रीट क्राइम्स कहा जाता है। तो स्ट्रीट क्राइम्स में राहजनी, कत्ल, डकैती, अगवा बराए तावान जो है ये आमतौर पर ये जो है वो आते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं एक दफा फिर आपको बता रहा हूँ, मैं हर लेक्चर में ये बताता हूँ कि इम्तिहानी मरकज जो है ये एक नंबर का है, ठीक है, इसको आप लिखेंगे तो ये एक नंबर का है, और अगर आप तारीख लिखेंगे तो ये भी एक नंबर की है, ठीक है, और अगर आप जब जनाब डिप्टी कमिश्नर यानी कि अलकाब लिखेंगे तो ये भी एक नंबर का आपको होगा, और अस्सलाम वालेकुम जो है अगर आप दुरुस्त सूरत में लिख देंगे तो ये भी एक नंबर है, ठीक है। और इसके बाद ये जो नक्शे मजमून है स्टूडेंट्स ये पांच नंबर का होता है, ठीक है, और इसके बाद बस सलाम आपका मुखलिस, ये जो इख्तितामिया है ये भी एक नंबर का होता है। तो टोटल ये 10 नंबर का खत होता है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, अहम भी है, तो आपने अपने तौर पे इसको ज़हन में रखना है। बाकी अगले लेक्चर्स को आप जरूर देखा करें जो आ रहे हैं, मैं इंशाल्लाह कुछ मजामीन भी अभी रहते हैं उन पे भी लेक्चर देने हैं, और अभी खतूत और उसके बाद दरख्वास्तों का सिलसिला भी इसी तरह शुरू करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।